मेरे भोले बादशाह पाकिस्तानी हूँ। हम इस फसुर्दा निजाम के गुलाम थे और गुलाम हैं, और ऐसा लगता है कि शायद हमें अकल अभी तक नहीं आई और शायद हम आगे भी गुलाम ही रहेंगे। हमारे आकाओं ने हमें एक तरफ लगाया हुआ है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, तेरा लीडर, मेरा लीडर, पेट्रोल प्राइस, आटे का मसाला, इसकी करप्शन, उसकी करप्शन, मैं सही तू गलत। हमारा तो हाल ये है कि जैसे बंदर अपने मालिक के हाथ में मौजूद डुगडुगी पे नाचता हो, हम भी एस्टेब्लिशमेंट के बिछाए हुए जाल में फंस कर नाचते ही रहते हैं। कितने फीसद लोगों के जहन में ये बातें चल रही हैं कि खित्ते में क्या तब्दीलियां आ रही हैं? चीन ने ईरान और सऊदीया की दोस्ती करवा दी, रूस के साथ सरमायाकारी और मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, दुनिया की ताकत का तवाजन एशिया की तरफ हो रहा है, और खित्ते में तब्दीली, हम बहसियत पाकिस्तानी कहाँ खड़े हैं कि इस तब्दीली में हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे? अब कौम को ये फैसला करना है, अब आपको ये फैसला करना है कि मुस्तकबिल इज्जत से गुजारना है या गुलामी से। अगर इज्जत से गुजारना है तो एस्टेब्लिशमेंट जिसमें एजेंसीज, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के 500 खानदानों से जान छुड़ाना पड़ेगी, और ना ही हमारे अमाल इतने अच्छे हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई हमारे लिए मदद आए। याद रहे, शाऊर बहुत मुश्किल से बेदार हुआ है, अब गिरती हुई इस गंदी दीवार को एक धक्का और दो और ये दीवार गिराओ, और तहरीके लब्बई का साथ दो, तहरीके लब्बई का साथ दो, ताकि पाकिस्तानी कोई गरीब आटे के लिए लंबी लंबी लाइनों में ना खड़ा हो, पेट्रोल के लिए एक पाकिस्तानी शहरी लंबी लंबी कतारों में ना लगे। तहरीके लब्बई का साथ दो, साथ दो, वरना मर्सिडीज के आगे बंगरे ही डालते रहोगे।